बॉडी के बाहर से वजाइना को अगर हम देखेंगे तो सिर्फ एक होल दिखेगा और उस होल के अंदर में रास्ता बना हुआ है, थोड़ा सा रास्ता है वजाइना का। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सर्विक्स की, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। और ऊपर में हो गई हमारी बॉडी जिसमें बच्चा पलता है, और ये वाले जो फूली हुई भाग है जो कि हल्के से निकली हुई है, उभरी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फंडस। तो यूट्रस को हम मेनली तीन भाग में यहाँ पे बांट देते हैं। अब अगर बात करें यूट्रस के परत की, यानी कि यूट्रस के लेयर की, गर्भाशय की लेयर कितनी होती है, गर्भाशय की परत कितनी होती है, तो इसकी तीन परत होती है, ठीक है। अगर बाहर वाले परत की बात करें, अगर मानिए कि अगर आपके पास, अगर ये आपका हाथ है, ठीक है, तो आगे वाला भाग कुछ और टाइप का दिखता है, पीछे वाला भाग कुछ और टाइप का दिखता है। अगर आप ये वाले स्किन को हटा लेंगे तो अंदर वाली स्किन कुछ और टाइप की होगी। तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला कि ये हमारे हाथ की लेयर्स है।